तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन अम्बाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में अभी तक इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद की घोषणा की गई है, जिसको लेकर बाकायदा भारतीय किसान यूनियन के अध्यादेश गुरमान सिंह चढ़ूनी ने भी व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी अपनी दुकानें बंद करके इसमें उनका साथ दें। लेकिन अम्बाला स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी वर्ग पहले से ही लॉकडाउन के चलते काफ़ी घाटे में गुजर रहा है, हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी तक अम्बाला व्यापार मंडल द्वारा अभी तक हमें दुकान बंद करने के निर्देश नहीं मिले हैं। यदि किसानों को कृषि अध्यादेशों से कोई आपत्ति है तो वे सरकार और प्रशासन से बात करें, हमें परेशान ना करें। उन्होंने क्या कहना है जी, जो मर्जी कहेगी हम तो दुकानें खोल के रखेंगे, क्योंकि हमारे पास 7-8 हज़ार रुपये रोज का खर्चा रहता है। अगर हमारी यूनियन वाले कहेंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे। हमारी मार्केट की तरफ से ऐसा हमें कोई वो नहीं है, तो इससे दुकानें तो हम तो खोलेंगे। ऑलरेडी कोरोना के कारण इतना पहले ऑलरेडी लॉस और वो सब झेल रहे हैं हम तो ऐसे, मतलब हाँ उनके अगर उनकी ग्रीवियंसेज हैं तो सरकार से करें ना, नॉर्मल पब्लिक से परेशान करना कोई फायदा नहीं। सर बहुत सी अभी टाइम ऐसा नहीं है, अभी आगे खुल जाएंगे, टाइम नहीं है। कृषि अध्यादेशों को लेकर आपकी क्या राय है सर? पूरे देश में जो है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपकी अपनी क्या राय है उसमें? टेक्निकलिटीज जो है वो देखो, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है और जो सरकार है उन्हीं को पता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी है, थोड़ा बहुत ऐसे भी। सर आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो व्यापारी मंडल बहुत परेशान है और जो ये धरना वगैरह कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि किसानों की क्या डिमांड है तो किसान ही जानते हैं। हम व्यापारी बंदे हैं, हमें उनके बारे में हमारी पर्सनल राय ये है कि किसानों और सरकार के बीच में बैठ के हर वक्त जो बात होनी चाहिए, धरने का कोई हल नहीं, जो बैठ के हल निकल सकता है वही होना चाहिए।